तो वहीं अब प्रदेश में कांग्रेस ईआरसीपी मुद्दे को लेकर नवरात्र के दूसरे दिन चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। पीसीसी वॉर रूम की बैठक में 16 अक्टूबर से चुनावी अभियान शुरू करने पर सहमति बन गई है। इसमें सबसे पहले ईआरसीपी को लेकर बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस मोर्चा खोलेगी और ईआरसीपी जनजागरण यात्रा का आगाज 12 जिले से होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में चुनावी दौर, ईआरसीपी पर जोर, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। 2023 का रण, ईआरसीपी पर जंग, ईआरसीपी यात्रा जीत का रास्ता, ईआरसीपी का मुद्दा बनाएगा काम, सत्ता के वास्ते यात्रा के रास्ते। प्रदेश कांग्रेस ईआरसीपी मुद्दे को लेकर चुनावी अभियान में प्रमुखता से भुनाना चाहती है, साथ ही इसमें यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर जन जागरण और जन समर्थन जुटाया जाएगा। इस लक्ष्य में रविवार को पीसीसी वॉर रूम में खास मीटिंग हुई। बैठक में 16 अक्टूबर से चुनावी अभियान शुरू करने पर सहमति बनी। ईआरसीपी को लेकर बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत ईआरसीपी वाले जिलों के मंत्री, विधायक, संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने तय किया कि जीत का रास्ता ईआरसीपी यात्रा के जरिए हासिल होगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी नारा काम किया दिल से कांग्रेस फिर से की जानकारी दी। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस अपना चुनावी कैंपेन शुरू करेगी। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने ईआरसीपी का वादा किया लेकिन निभाया नहीं, जबकि ये राजस्थान के 13 जिलों की खास योजना है। सरकार 13 जिलों की जनता का ध्यान रखते हुए उनको ईआरसीपी की सौगात देंगे। जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन ईस्टर्न राजस्थान से ही स्टार्ट करेंगे और जो वादा खिलाफी की है बीजेपी ने, ये बोलकर के कनाल बनेगी वहाँ से स्टार्ट करके अपन पूरे राजस्थान की जो बात करेंगे। देखिए, जो इनके कार्यक्रम हैं, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। जहाँ के बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। आज हमने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1,00,000 लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज़्यादा होगी, किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और तब तक हम परसों से उन 13 जिलों में ईआरसीपी के ऊपर वादा खिलाफी के लिए जनजागरण अभियान प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर हम चलाएंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसके लिए पार्टी पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी यात्रा का आगाज करके जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। इसमें 16 अक्टूबर से चुनावी कैंपेन शुरू होगा। पूर्वी राजस्थान से है कांग्रेस का चुनावी अभियान, बोरा जिले से ईआरसीपी यात्रा की शुरुआत। यात्रा में एक दिन में कवर होंगे 2 जिले, हर जिले में एक बड़ी जनसभा का आयोजन,
जनसभा में 1,00,000 लोग होंगे शामिल। 10 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में अभियान शुरू। मंडल स्तर पर ईआरसीपी पर जन जागरण अभियान। जनता की राय के आधार पर कांग्रेस करेगी घोषणाएं। ईआरसीपी है कांग्रेस का बड़ा एजेंडा। केंद्र सरकार ने ईआरसीपी पर की वादा खिलाफी। इस बार कांग्रेस बना रही है सरकार। जीतेंगे 23 का रण, बनेगी कांग्रेस सरकार। ईआरसीपी से निकली सियासी गणित के बीच जानते हैं क्या है ईआरसीपी और कांग्रेस की जीत का समीकरण। 13 जिलों की लाइफलाइन है ईआरसीपी। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ जिले शामिल। इन 13 जिलों में है पानी का बड़ा संकट। ये संकट का हल ईआरसीपी से ही टाला जा सकता है। केंद्र ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। अब प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को कर रही है पूरा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में 83 विधानसभा सीटें। 13 जिलों में बीजेपी के पास केवल 25 सीटें। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत। कांग्रेस के पास 83 में से 49 सीटें। ईआरसीपी की यात्रा में कांग्रेस को दिख रहा सत्ता का रास्ता। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की नीति और नियत साफ पता लग गई है और राजस्थान बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सूबे के मुखिया ने भी कहा कि हमारा स्पष्ट एजेंडा है कि 2023 के चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बहरहाल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ ईआरसीपी की यात्रा में काम किया दिल से नारा बुलंद करने वाली कांग्रेस में से कौन सरकार बनाएगा, ये तो दिसंबर के नतीजे ही बताएंगे।